हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के सेशन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। उसके पहले हम लोग टेलीग्राम चैनल के मैसेजेस देख लेते हैं। टेलीग्राम चैनल में आज मॉर्निंग में मैंने 17,400 का पुट बाय दिया था, बट ये पोजीशन हम लोग ने ₹10 लॉस में एग्जिट कर दिया, क्योंकि उसके बाद निफ्टी ने पूरा गैप फिलिंग किया, गैप फिलिंग करके और ऊपर गया और सेकंड हाफ में हमें एक पैनिक फॉल देखने मिला। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एग्जैक्टली वैसा ही पैनिक फॉल आपको देखने मिला। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिया विक्स में भी काफी जंप हमें देखने मिला, 17.49 का हाई बना दिया इंडिया विक्स ने। इसलिए आपने नोट डाउन किया होगा आज ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे, और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के एट द मनी ऑप्शंस भी देखो काफी ज्यादा कॉस्टली प्रीमियम हो गए। तो प्रीमियम जो इंक्रीज हुआ है ऑप्शंस में वो प्योर एंड प्योर इंडिया विक्स के वजह से है। इंडिया विक्स अगर थोड़ा सेटल डाउन होगा, वापस 16 के आसपास आएगा, 15 के आसपास आएगा, ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे कम होने लगेंगे और मार्केट हमें थोड़ा एक रेंज में सेटल देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आज का जो कैंडल बना है इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है। अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली और हमें फॉल देखने मिल सकता है। 17,200 तक निफ्टी आ सकता है कल के सेशन में, और इंडिया विक्स में भी 19-20 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो कल के फर्स्ट हाफ में हमें फॉल देखने मिल सकता है, बट सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत कॉशियस रहना, क्योंकि लगातार हमें फॉल देखने मिल रहा है। 17,200 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक भी हमें देखने मिल सकता है। तो कल के सेशन में फर्स्ट हाफ में आप शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, बट सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग रैली भी पॉसिबल है। यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर बाउंस हुआ, वापस यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 17,200 के आसपास, 17,225, 17,200, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग पुल बैक देखने मिल सकता है। तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशंस है तो 17,200, 17,220 के आसपास थोड़ा कॉशियस होना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइटली मेंटेन करना, क्योंकि वहाँ से हमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो फिर 17,050 तक भी आ सकता है। 17,000 जो कि एक राउंड ऑफ लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी में, लेकिन 17,200 ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ में हमें स्ट्रेंथ देखने मिली, क्योंकि निफ्टी में पैनिक फॉल आया तो बैंक निफ्टी में भी हमें सेकेंड हाफ में पैनिक फॉल देखने मिला। बैंक निफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 37,000। 37,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड ऑफ लेवल है, 37,000 के आसपास सपोर्ट लेकर बाउंस कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करो तो बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा फॉल एक्सपेक्ट मत करना। 36,900, 37,000 ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आज का जो फर्स्ट मूव था वो कम्प्लीटली बुल ट्रैप मूव था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7-8 इसने ग्रीन कैंडल बनाया। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने काफ़ी कन्फ्यूज किया और उसके बाद हमें एक शार्प फॉल देखने मिला है। बैंक निफ्टी के लिए 37,000, 36,800 ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो बैंक निफ्टी में अगर कोई भी फॉल आता है 36,800 के आसपास, 37,000 के आसपास, ये 200 पॉइंट की रेंज में कहीं सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस मत बनाना, क्योंकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। कल सेकंड हाफ में दोनों ही इंडेक्स में हमें शॉर्ट कवरिंग पुल बैक देखने मिल सकता है। लाइव मार्केट में लेवल्स में कुछ भी चेंजेस रहा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शंस सेलिंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, और कैश लेवल इंट्राडे ट्रेड्स भी मिलते हैं, जिसमें आप इंट्राडे में 2-3 हज़ार रुपए कमा सकते हो। और ये हमारे वेरियस कोर्सेज है, अगर आपको सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मोबाइल ऐप का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।